बच्चों से लेके बड़ों तक मेयोनीज सबको बहुत पसंद आती है, तो उसके फायदे तो कुछ हो ना हो नुकसान बहुत हैं। तो आइए आज उसको हेल्दी वे में घर पे ही बनाते हैं। टेक अ बोल, 3/4 कप कैश्यूज, 90 ग्राम्स। तो इसको गर्म पानी में सोक करें फॉर 15 मिनट्स। नाउ ड्रेन ऑफ द एक्सेस वाटर, ट्रांसफर सोक्ड कैश्यूज इन द ग्राइंडर जार, ऐड अ टेबल स्पून ऑफ मिल्क और इसकी पेस्ट बनाएं। सो दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो अभी आप देखोगे कि ये अच्छे से इसकी पेस्ट नहीं बनी, तो हम 1 टेबल स्पून दूध और ऐड करेंगे और अगेन वी विल मेक अ पेस्ट, इसको ग्राइंड करेंगे। वी विल रिपीट द स्टेप अगेन, 1 टेबल स्पून दूध डालेंगे, तो इस टाइम मैं 2 डाल देती हूँ। तो थिक एंड स्मूथ करने के लिए 1 टेबल स्पून दूध हम और ऐड करेंगे। वाओ, दिस इज क्रेजी गाइज। नाउ फॉर द फ्लेवर, ऐड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 4 टीस्पून ब्लैक पेपर। सो एक मिक्स फिर दें। तो आपकी हेल्दी मेयोनीज रेडी है गाइज। और इसमें अगर आप और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो 3 से 4 गार्लिक क्लव्स भी ऐड कर सकते हैं, और फिर 1 से 2 बार आप इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अदरवाइज आप क्रश करने के बाद में भी ऐड कर सकते हैं। Now for the flavor and shelf life, add 1 teaspoon of vinegar and 1 to 2 teaspoon olive oil. So guys, ये आपका shelf life बढ़ाएगा। Like आप 1 हफ्ते तक इस mayonnaise को store करके रख सकते हैं, और अगर आप ये नहीं add करेंगे तो फिर 2 से 3 दिन तक आप इसको consume कर लीजिए। और अच्छे से आपने एक mix देना है। And your amazing healthy mayonnaise is ready guys, just see the consistency. तो आप दूध कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। सो गाइज़, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, एक बार ये ट्राई करना और फिर आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और इसमें अगर फ्लेवर्स ऐड करने हैं तो आप इसमें केचप या मस्टर्ड सॉस कुछ भी ऐड करके आप अपनी डिप्स रेडी कर सकते हैं, जैसे आप मेयोनीज का करते हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड एंजॉय। So apply on each layer. It's very rich, very creamy and so thick.